आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। जांजगीर जिले के ग्राम अमनदुला में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई के मामले की जांच शुरू हो गई है। सरपंच सचिव के खिलाफ हुई शिकायत के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के साथ ही वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में हरे भरे पेड़ों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज के दौर में जब प्रदूषण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तब पेड़ों के संरक्षण पर काफी जोर दिया जा रहा है। बावजूद इसके ऐसे भी कई लोग हैं जो इनकी बलि देने से नहीं कतरा रहे। ऐसा ही एक मामला जांजगीर जिले के ग्राम अमनदुला में सामने आया है, जहां सरपंच सचिव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरे भरे पेड़ों को काट डाला। मामले की शिकायत जब प्रशासन के पास पहुंची, तब वन विभाग का दल गांव पहुंचा और शिकायत की जांच की। जांच दल द्वारा काटे गए पेड़ों की काफी बारीकी से निरीक्षण किया गया, हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी तरह की जानकारी नहीं दी। पेड़ों के अवैध कटाई के इस मामले को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि जांच के लिए वन विभाग के दल दो बार गांव पहुंचा। कहा जा रहा है कि जांच प्रतिवेदन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मैं कवि शरण वर्मा, ग्राम पंचायत अमनदुला, अभी वर्तमान में ग्राम पटेल हूँ, पूर्व सरपंच था। कल जो है 10-10:30 बजे के आसपास गाँव के युवा द्वारा मेरे पास एक फोटो भेजा गया कि गाँव में अवैध रूप से पेड़ कटाई चल रहा है करके। तो उनकी सूचना के आधार पर मैं मंडी भाठा गया, तो वहाँ लगभग 22-23 पेड़ के इस पार्क में कटा हुआ पड़ा हुआ था। तो मेरे द्वारा तत्काल जो है CO जनपद पंचायत और तहसीलदार महोदय को इस बारे में जानकारी दी गई कि इतना सारा पेड़ मतलब सरपंच और सचिव द्वारा कटा जा रहा है करके। तो तत्काल संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार द्वारा पटवारी को भेजा गया इस पार्क पर पंचनामा के लिए। तो पटवारी मैडम वहाँ पहुँची और पटवारों के माध्यम से वहाँ पूरे गाँव का भ्रमण किया गया और जितने जगह पेड़ कटा है उसमें सबको निरीक्षण किया गया। तो पटवारी मैडम सारे का फोटोग्राफी भी लिए हैं और इस पार्ट में जाने के बाद पता चला कि 20-22 पेड़ दिख रहा था, लेकिन टोटल 84 पेड़ गांव में जो है इस लॉकडाउन की अवधि में फ़ायदा उठा करके सरपंच द्वारा गांव में किसी को बेच दिया गया है, किसी को दे दिया गया है। और लगभग 20-22 पौधे अभी इस पार्ट में जो कटा है वो पड़ा हुआ है और मेरे एक मंडी भाठा में लगभग 27-23 पेड़ कटा हुआ है। नया तालाब है एक जो अभी रोजगार गारंटी काम चल रहा है, उसमें बड़े बड़े 20-20 साल का जो पेड़ है उसमें 27-23-24 पेड़ कटा हुआ है। और एक गोठान निर्माण किया गया है ग्राम पंचायत द्वारा, उसमें लगभग 29 पेड़ कटा हुआ है। और ये सभी पेड़ जो हैं कम से कम 20 साल से ऊपर के पेड़ हैं, जिसमें कौहा, अर्जुन पेड़ है, आम का पेड़ है और आपका बम्बुल का पेड़ है और रीवा का पेड़ है। और इसकी शिकायत मेरे द्वारा लिखित शिकायत अभी कलेक्टर महोदय को और माननीय अनुभागीय अधिकारी शक्ति को और तहसीलदार महोदय को लिखित में अभी हार्ड कॉपी मेरे द्वारा दिया गया है फोटोग्राफी के साथ। आदेश से हम लोग यहाँ पर आए हैं आज और हमने मौका निरीक्षण करके पाया कि 70 पेड़ों की कटाई हुई है, जो कि मेरे हिसाब से निंदनीय है, क्योंकि अभी सभी लोगों को मालूम है कि जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अभी ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि कटाई किसने की है, क्योंकि यहाँ मौका निरीक्षण पर दो तरह के समर्थक व्यक्ति मिले, जिनका कुछ लोगों का कहना है कि सरपंच महोदय द्वारा कटवाया गया और कुछ लोगों का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा कटवाया गया। इसलिए अभी हम लोग ये निर्णय नहीं कर पाएंगे और चूँकि इसकी FIR भी हो चुकी है, तो अब सच्चाई तभी सामने आएगी जब FIR की अनुसार पुलिस कार्यवाही करेगी और उसके बाद पता करके बताएगी कि वास्तविक कौन अपराधी है। जी मैडम, अभी विश्व पूरा कोविड महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।